भवन का सवाल है गुजरात से, गॉडफ्रे फिलिप्स 200 शेयर्स 950 के प्राइस पर, क्या राय होगी आपकी विजय गॉडफ्रे फिलिप्स पर? मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, करीब 1172 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है और मेरा यह मानना है कि आराम से 1250-1300 का स्तर भी दिखाएगा, तो आप होल्ड करके रखिए। बहुत स्ट्रांग कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सालों से इट्स अ वेरी सीरियस प्लेयर इन द टोबैको मार्केट, सो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल है विनाश पाठक का झारखंड से, वेदांता 500 क्वांटिटी है 88.4 के प्राइस पर। इनफैक्ट सचिन का सवाल ले लेते हैं, कैडिला पर इनका सवाल है और जिनके परचेजिंग प्राइस है वो 313 का है। अविनाश के सवाल पर राय ली जा चुकी है इसलिए सचिन का सवाल ले लेते हैं, क्या राय है आपकी कैडिला पर विजय? 313 इनका एंट्री लेवल है और अभी 334 पर ट्रेड कर रहे हैं, इनके परचेजिंग प्राइस है तो ऊपर ही है, क्या करें अभी? बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। कैडिला हमने देखा था करीब करीब 450 के स्तर से गिरना शुरू हुआ था, 270-280 तक गया था और अब थोड़ा सा रिकवर किया है पिछले लगभग 3-4 हफ्तों में, तो होल्ड करके रखना चाहिए। 400 का स्तर मैं देखता हूँ इस स्टॉक में और USFDA की जो खबर आई थी उसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, तो आई थिंक दैट इट शुड बी हेल्ड ऑन टू। ऑलराइट, तो अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं, 400 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं ऐसा विजय मानते हैं। महाराष्ट्र से जितिन ने हमें सवाल पूछा है एक्सिस बैंक पर, इनके पास 725 शेयर्स हैं, 465 के भाव पर इन्होंने खरीद करी हुई है, तो इनके भाव से अभी यहाँ पर नुकसान जरूर हो रहा है। आशीष, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए, क्या अभी भी आपको लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल इसमें एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 400 रुपये के आसपास इनकी, ऑल्दो कॉस्ट प्राइस थोड़ी ऊपर है, चाहें तो अगर नीचे मिलता तो एवरेज करें, बट मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। पूरे स्पेस में ये सबसे बेटर एसेट वाली कंपनी है और जब बेस फॉर्मेशन इसका 400 रुपये के आसपास हुआ, ये 2 साल पहले भी वहीं पे इस पे सपोर्ट लेकर के स्टॉक बढ़ा था, बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई ऐसे नुकसान वाली बात नहीं है इसमें। जी, अगला सवाल ले लेते हैं दीपक कपूर का, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है, ONGC 300 शेयर्स है इनके पास और जो इनका एंट्री लेवल है ONGC में वो 193 का है। एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है इन्होंने ONGC में, 205 पर ट्रेड कर रहा है इसीलिए इनके परचेजिंग प्राइस से भी ऊपर है, लेकिन क्या ये छोटा सा मुनाफा लेकर बाहर आ जाए या फिर बने रहें, क्या राय होगी आपकी विजय? देखिए दीपाली, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री करी है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, क्रूड में थोड़ी सी भी यदि उछाल देखने को मिली तो संभवतः हम 225-230 का स्तर देखेंगे ONGC में, तो फिलहाल बने रहें वहाँ तक के लिए, तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए, 225 का स्तर तो मैं निश्चित रूप से देखता हूँ स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए बैंगलोर से प्रशांत का सवाल ले लेते हैं, NCC पर इनका सवाल है, इनफैक्ट NCC पे हम ऑलरेडी एक राय ले चुके हैं लेकिन विजय आपसे जानना चाहेंगे इस बार, 800 शेयर्स इनके पास 70.7 के भाव पर, क्या सलाह होगी? होल्ड करके रखिए, करीब करीब 85 का स्तर में देखता हूँ इसमें, कोई 6 महीने तक इसमें कोई होल्ड करके रखता है तो 6 महीने से 12 महीने तक, तो एक तेजी है और ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी की, तो इसलिए मुझे लगता है कि होल्ड करके रखना चाहिए। अगला सवाल है आशीष कुमार का, उत्तर प्रदेश से, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, 100,000 शेयर्स हैं 64.5 के प्राइस पर, क्या राय होगी आपकी आशीष? देखिए मेरे ख्याल से इनको होल्ड करके रखना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक थोड़ा बेस फॉर्मेशन हुआ है 50 रुपये के आसपास, तो अगर ये ट्रेडर होल्ड करके रख सकते हैं, 50 का एक SLV मेंटेन करके रखें तो इसमें कोई ऐसे नुकसान वाली बात इनको नहीं रहेगी। ओके, चलिए गुजरात से सत्यम का सवाल ले लेते हैं, क्विक हील के इनके पास 100 शेयर्स हैं 305 के भाव पर। विजय देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है शेयर और इनके खरीद भाव से भी नीचे आ चुका है, तो अब किस तरीके से इनको बनना चाहिए यहाँ पर? पेशेंस रखना पड़ेगा मुझे लगता है अगर इसी स्टॉक में इनको मुनाफा कमाना है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हुई है मुझे लगता है स्टॉक्स कुछ कंसोलिडेट करते हैं उसके बाद ये एक अप मूव आता है, तो संभवतः आपको 230-40-50 के लगभग कुछ कंसोलिडेशन होती हुई देखिए, उसके बाद एक अप मूव आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा इनको। अनमोल दुबे का सवाल है उत्तर प्रदेश से, पंजाब नेशनल बैंक, 100 शेयर्स है इनके पास, 81 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में? आशीष अभी इन्हें 83 पर ट्रेड कर रहा है, बने रहें?
बिल्कुल होल्ड करके रखें। देखिए पूरे पीएसयू सेक्टर में जो बुरा वक्त है वो पीछे जा चुका है। मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है टू रिकवर दी एनपीएज, मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक के पहले जो मैंने बात की थी, इन दोनों में अगर वो होल्ड करके रखें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, तो 77 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑल राइट, तो होल्ड करके रख सकते हैं ऐसा आशीष मानते हैं। वेस्ट बंगाल से विकास अब पूछते हैं, दो शेयर्स इनके पास, आरसीएफ के 400 क्वांटिटी के शेयर्स हैं 65 के भाव पर, और पीटीसी इंडिया पे 200 शेयर्स इनके पास 85 के भाव पर। कंसर्न यहां पर है विजय, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए? आरसीएफ में एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इनको, नो डाउट। फर्टिलाइजर स्पेस काफ़ी न्यूज़ रिलेटेड स्पेस है, और जब न्यूज़ आती है तभी इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। पेशेंस रखना होगा, अगर ये एवरेज कर सके आरसीएफ में और अपनी बाइंग प्राइस नीचे ला सके तो अच्छा होगा। मुझे लगता है 50 का स्तर तो ये निश्चित रूप से देख सकता है, तो थोड़ा सा इनको एवरेज करके पेशेंस रखना होगा। दूसरा पीटीसी इंडिया की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है वेरी स्ट्रांग कंपनी, पावर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट की गिरावट के चलते हुए स्टॉक में भी गिरावट हमने देखी, मगर आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक 100 तक दोबारा जा सकता है। तो थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और इनको अपना भाव जरूर वापस मिलेगा। साहिब का सवाल है पंजाब से, वॉकहार्ट 40 शेयर्स इनके पास 819 के प्राइस पर। इनके परचेजिंग प्राइस तो अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन दो फैक्ट हैं, एक तो ये कि अभी दिन के निचले स्तर ऊपर है, और दूसरा ये कि हाल ही में इसने 750 लेवल से एक अच्छा सर्च दिखाया था, 1000 के लेवल्स को क्रॉस जरूर किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो ऐसे में आशीष, ये प्रॉफिट्स लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल प्रॉफिट लेके इनको एग्जिट होना चाहिए। पूरे फार्मा सेक्टर में आप देखें, जब से सन फार्मा करीब एक साल पहले जो नेगेटिव न्यूज़ इसमें आनी स्टार्ट हुई थी, और जो डाउनफॉल हमने सन फार्मा में देखा था वो पूरे सेक्टर पे हावी हो चुका है, और पिछले कुछ दिनों में जो नेगेटिव न्यूज़ आई उससे पूरा सेक्टर ही नेगेटिव हो गया है। तो अगर इनको प्रॉफिट मिल रहा है बिल्कुल ले करके ही एग्जिट हो जाए। हो सकता है इनको शायद फिर से 800 रुपये के आसपास मिले, फिर इसको एंटर कर सकते हैं अगर ये ट्रेडर हैं तो। ऑलराइट, प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। आशीष पूछते हैं महाराष्ट्र से टाटा स्टील पर सवाल, 250 शेयर्स हैं इनके पास 288 के भाव पर। विजय, इनको प्रॉफिट हो रहा है और जिस तरीके से हमने पिछले महीने देखा एक रिकवरी इस शेयर पे, क्या आपको लगता है कि आगे और मुनाफा कमाने का इनके पास मौका है या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लें? 310-315 का भाव मैं जरूर देखता हूँ टाटा स्टील में, तो वहां तक तो स्टॉक जाना चाहिए, और थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, मगर वहां पर थोड़े मुनाफा वसूली जरूर करें।